फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं पूना टू मिरज। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये स्टेशन का नज़ारा है। ट्रेन हमारी आ चुकी है और ये देखिए सुबह की चाय हम पी रहे हैं और ये गर्म पानी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डाला है दूध का पाउडर और अब हम यहाँ डालेंगे शुगर पाउडर। और ये सारा किट उन्होंने ही दिया होता है। और ये चाय अच्छी लगती है बट इसमें थोड़ा सा शुगर कम होता है, फिर भी ठीक है। अब हम यहाँ डालेंगे चाय पत्ती का, एक दो बार डुबाएंगे और ये जो छोटी सी लकड़ी दी हुई है इसको शुगर को अच्छे से मेल्ट करने के लिए। और ये चाय पत्ती है, इसे डाल के आपको एक दो बार डुबा लेना है, हमारा चाय जो है वो रेडी हो जाता है इस तरीके से कुछ। तो फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉग्स आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़्यादा देर होने वाली है घर जाने के लिए क्योंकि रात के 12 बजने वाले हैं और सुबह के अभी तो 10 बजे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये देखिए हमारा चाय रेडी हो गई है और यहाँ हम गरम गरम चाय पियेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, एसी लगा हो और चाय पिए बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैं चाय पीने लगी, तीन दिन के सफ़र में हालत जो है बहुत ही ख़राब हो जाती है। और यहाँ तो हम बस में जाने लगे तो कितनी बुरी हालत होती है, तो सोचिए तीन दिन कैसे हमने निकाले होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने चाय रेडी करके पी हूँ और यहाँ खिड़की के साइड में एसी के पास एसी स्टार्ट थी। और ये देखिए हमारा चाय रेडी और हम पीने लगे। फ्रेंड्स, पुणे की जो ट्रेन है वो मिरज को जाती है, रात में 12 बज गए हमें और बहुत ही बुरी लगती घर जाने के लिए। कोई बस नहीं था या कोई ऑटो नहीं था बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा फिर स्टेशन पे निकाला और सुबह उठ के चले गए। और ये देखिए हमारा खिड़की का नज़ारा, और खिड़की के पास ही मैं बैठी थी। और ये देखिए दोपहर हो चुकी थी तो लेट हो गया था, ट्रेन को लेट हो गया था और इसकी वजह से खिचड़ी दी थी उन्होंने। तो शाम को बहुत ही लेट ट्रेन चली, ट्रेन में खिचड़ी मिली थी वही खिचड़ी हमने खा ली, इतनी भी बुरी नहीं थी। और ये देख सकते हो कुछ नज़ारा, और ट्रेन चेंज करते करते बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। और हम पुणे में जब गए थे ना, ये वाला व्लॉग है फ्रेंड्स, यहाँ आप बहुत सारा ढेर सारा शॉपिंग कर सकते हो। और ये लास्ट में मैंने डाला है व्लॉग। और यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आपको पुणे में जो स्टेशन है, स्टेशन के बाहर में ये सब कुछ स्टॉल लगा होता है। यहाँ ढेर सारे जूते रहते हैं, कपड़े सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, मिठाई, और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और हम यहाँ थोड़ा सा आए थे कि सोचा कुछ ले लेंगे, और यहाँ हमने बस बच्चों के लिए कपड़े ले लिए। और देख सकते हो ये ऐसा नज़ारा है, सब कुछ यहाँ मिलता है, स्टेशन के बाहर ही है फ्रेंड्स पुणे में। और ये देखिए इधर उधर हमने थोड़ा सा घूम लिया क्योंकि ट्रेन आने में बहुत ज़्यादा टाइम था। और अब हम यहाँ ट्रेन पकड़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, ये लास्ट में मैंने डाला है। और ये हमारी पुणे से मिरज जाने वाली ट्रेन आ गई है और डायरेक्ट ही कोल्हापुर भी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी यूज़फुल लगी और आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा टायर्ड और ऐसा लग रहा था कि कब घर जाए और सो जाए, तो बस इसी में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। रात के 12 बजे हम वहाँ पहुँचे थे और सुबह उठ के 6 बजे चले गए क्योंकि सारे बस जो है तो ऑटो कुछ भी नहीं मिलता रात में, तो इसके वजह से हमें स्टेशन पे ही निकालना पड़ा। और सुबह के बज गए 6 और हम निकलने वाले थे, तो मैंने सोचा कि ये ट्रेन जा रही है और इसका वीडियो मैं बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग और सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ ट्रेन आ रही थी, इस ट्रेन की आवाज़ से मैं उठ गई और अब हम जाने वाले हैं घर। और यहाँ से आपको भी बस मिलने वाली है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।